हे वेलकम बैक गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीटली प्रोफेशनल लेवल पे। अगर आप एज ए बिगिनर हैं या एक स्टूडियो ओनर हैं या फैशन फोटोग्राफर हैं तो ये स्पेशली ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। आज हम एक ऐसी लाइटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बटरफ्लाई लाइटिंग। सो मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम DSLR Academy। आज से पहले बहुत सारे वीडियोज में बना चुका हूं स्टूडियो लाइटिंग के ऊपर, जिसके अंदर मैंने अलग अलग लाइटिंग के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अगर आप देखना चाहते हैं वो वीडियोज तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने लिंक ऑलरेडी सेंड किया हुआ है कि रेम्ब्रेंड लाइटिंग, ब्रॉड लाइटिंग, स्प्लिट लाइटिंग, देन रिम लाइटिंग। आज डिस्कस करेंगे बटरफ्लाई लाइटिंग के बारे में कि कैसे बटरफ्लाई लाइटिंग आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले हम एक बात जान लें कि बटरफ्लाई लाइटिंग की इंपॉर्टेंस है क्या और उसको क्यों यूज करते हैं और कहां उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप ये इमेज देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप जो इमेज देख रहे हैं एक क्लोजअप इमेज है। आपने जितने भी फैशन शूट देखे होंगे या मेकअप के शूट देखे होंगे या कॉस्मेटिक्स के शूट्स देखे होंगे, यानी कि जितने भी ब्यूटी शॉट्स होते हैं वो सब कुछ बटरफ्लाई लाइटिंग पे होते हैं। बटरफ्लाई लाइटिंग को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले एक ब्यूटी डिश की जरूरत होती है। तो ब्यूटी डिश क्या काम करती है कि अगर ब्यूटी डिश से शॉट होता है तो वो बहुत ही परफेक्ट आता है। बट यहां पर मैं आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल नॉलेज भी दूंगा, बट पैरेलली हर एक फोटोग्राफर के पास वो चीजें नहीं होती जो एग्जैक्टली चाहिए होती। अगर आपको प्रोफेशनल टच देना है तो आप ब्यूटी डिश लाएं और उसका अगर आप यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। बट अगर आपके पास ब्यूटी डिश नहीं है तो सोचने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो एक सॉफ्ट बॉक्स से या फिर एक छोटा ऑक्टा शॉट बॉक्स से किसी से भी आप कैसे एक बटरफ्लाई लाइटिंग इमेज कैप्चर कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। बटरफ्लाई लाइटिंग का सिंपल सी अगर डेफिनेशन बोलूं तो क्या है वो ये है, नोज के नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस फोटो को जूम करता हूं तो आप ध्यान से देखिए कि आपको कंप्लीटली बटरफ्लाई का शेप मिल रहा है, इसलिए इसको बटरफ्लाई लाइटिंग कहते हैं। और इससे आउटपुट में क्या फर्क आता है, सबसे पहली चीज कि जॉ लाइन जो हम मेकअप में बनाते हैं वो एकदम क्लियर दिखती है, परफेक्ट दिखती है। मेकअप जितना अच्छा अगर किया होता है या नहीं किया होता है, फेस का लुक एक बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा बात और हो जाता है कि किसी का अगर पोर्शन ये बड़ा होता है, अगर आप बटरफ्लाई लाइट यूज़ करेंगे तो यहाँ पर शेड आएगा तो फेस लंबा दिखेगा। अगर राउंड फेस है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग फेस है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि आप कैसी फोटोग्राफी चाहते हैं, आपका क्लाइंट क्या चाहता है और आउटपुट आपको कैसा देना है, उसी बेसिस पे आपको बटरफ्लाई लाइटिंग यूज़ करनी होती है। बट इन शॉर्ट अगर आपको एक बात बोलूं कि जहां पर भी फैशन शूट है या ब्यूटी शूट है तो आपको बटरफ्लाई लाइटिंग ही यूज़ करनी है, तभी वो रिजल्ट आपको बहुत ही बेटर दिखेगा। वो कैसे दिखता है और कैसे क्लिक करते हैं ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो अब हम देखेंगे कंप्लीटली प्रैक्टिकल सेशन में। आपको अगर स्टूडियो का नॉलेज नहीं है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर कंप्लीटली डिटेल बताया हुआ है कि जब रेम्ब्रेंड लाइटिंग शूट करते हैं तो स्टूडियो सेटअप कैसा होना चाहिए। यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि फर्स्ट रेम्ब्रेंड लाइटिंग, ब्रॉड लाइटिंग, स्प्लिट लाइटिंग सबकी अपनी अपनी एक पोजिशन है। बटरफ्लाई लाइटिंग की जो पोजिशन है वो है कंप्लीटली 90 डिग्री, यानी कि जहां पर कैमरा है उससे जस्ट सीधे में लाइट होनी चाहिए अपनी टॉप साइड से। इसीलिए इसके लिए यूज करते हैं बूम स्टैंड। नॉर्मल स्टैंड अगर आप लेते हैं तो क्या होगा कि उसको यहां सेंटर में रखना पड़ेगा तो फोटोग्राफी में आपको डिस्टर्ब करेगा, इसलिए बूम स्टैंड के साथ हम बटरफ्लाई लाइटिंग का शूट करते हैं ताकि रिजल्ट्स प्रॉपर मिल सके। और सेकंड बात अगर आप ध्यान रखें तो मैं यहां पे कोई स्टूडियो लाइट यूज नहीं कर रहा हूं, फ्लैश लाइट यूज कर रहा हूं, ताकि अगर आप कभी प्री वेडिंग करते हैं या वेडिंग पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हैं, कहीं पर भी आप फोटोग्राफी करो, आपके लिए इजी हो जाए बटरफ्लाई लाइटिंग, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं। बाकी ब्यूटी डिश का अगर आप यूज करना चाहें ऑलरेडी लगी हुई है जिसके आगे ग्रिड लगा हुआ है, ये मैं आपको एज एक सैंपल के तौर पे बता रहा हूं। देन एक अगर आप चाहें तो शॉर्ट बॉक्स के साथ भी उसको यूज कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपके लिए बूम स्टैंड के ऊपर ही है, क्योंकि आप नॉर्मल स्टैंड पे इसको नहीं लगा सकते क्योंकि कैमरे के सामने आएगी, या तो ब्यूटी डिश या शॉर्ट बॉक्स। मैं आपके लिए एक ऑक्टा शॉर्ट बॉक्स यूज कर रहा हूं और वो भी फ्लैश के साथ। ये मेरा कंप्लीट सेटअप आपने देखा है। अब बात यहां पर आएगी, मैं आपको दो क्लिक्स करके दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सेट किया है, ध्यान ये रखें आप हमेशा नोज के नीचे शेप यहां बटरफ्लाई का बनना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली मैंने कंप्लीटली अपनी लाइटिंग सेटअप कर रखी है, एक्सपोजर सेट कर रखा है। और देन अब मैं आपके लिए कुछ क्लिक करके दिखाता हूं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। इसके अंदर अगर अपन सिंपल वे में अगर सेटिंग्स देखें, क्योंकि बहुत से लोगों का एक होता है कि सेटिंग्स क्या है, 200 मेरा ISO है, 4 मेरा अपर्चर है, 125 शटर स्पीड है। एक बात अच्छे से ध्यान रखें, फोटोग्राफी में कोई सेटिंग्स कहीं काम नहीं आती,
लाइट का पावर थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, यहाँ पे सेटिंग्स कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। इसलिए हर जगह एक नया चैलेंज है, हर जगह एक नई सेटिंग है। उसी बेस पे आप फोटोग्राफी करें तो आप सीख पाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। तो ये पहला मैं क्लिक करता हूं, देन ये मेरा फोकस क्लिक। अब आप इस इमेज को आप देख पा रहे हैं अच्छे से। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूं तो सबसे पहली चीज कि आईज के नीचे शेड है, देन नोज के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको एक बटरफ्लाई का शेप मिलेगा और गर्दन के नीचे भी कंप्लीटली शेड है। इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने मेकअप कर रखा है या विदाउट मेकअप है, बट जो आपकी जॉ लाइन होती है वो एकदम परफेक्ट आपको मिलती है। इसी बेस पे जितने भी ब्यूटी शॉट्स होते हैं उसके अंदर बटरफ्लाई लाइटिंग का यूज होता है। मैं आपको एक और इसका बेहतरीन यूज बताऊंगा कि क्या रिजल्ट्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। सबकी चॉइस अलग होती है, किसी को शेड पसंद होता है, किसी को शेड पसंद नहीं होता। अगर आप सिंपल वे से अगर शेड को रिमूव करना चाहते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा लाइट है तो आप इस सेम सिचुएशन में जो आपकी लाइट है यहां से आप बॉटम से भी एक लाइट दे सकते हैं, सेम पावर सेम डिस्टेंस के ऊपर, तो आपको पैरेलल रिजल्ट मिलेंगे। बट यहां पर मैं आपको आउटडोर में या इंडोर में हर जगह हमारे पास दो लाइट सेटअप कभी नहीं होता, तो क्या करें, तो सिंपल सा एक यूज है रिफ्लेक्टर यूज, वो यूज करके आप बहुत अच्छे क्रिएटिव इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। ये कुछ सेटअप आपने देखा जो मैंने आपको क्लिक करके दिखाया है एक नॉर्मल बटरफ्लाई लाइटिंग के ऊपर। इसमें स्पेशली ध्यान ये रखना है कि आपकी पोजीशन लाइट की कैसी हो, उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड है कि आपको शेप प्रॉपर मिलता है नहीं मिलता है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट हम दोनों इमेजेस में हम फर्क देखते हैं कि पहली जो इमेज है वो विदाउट रिफ्लेक्टर है, आप चाहें तो ऐसा शेड के साथ भी कैप्चर कर सकते हैं, बट कई बार अगर हमको अगर शेड नहीं चाहिए तो सिंपल सा एक रिफ्लेक्टर के साथ अगर आप शूट करते हैं तो आपको जितनी भी शेड है वो रिमूव हो जाती है और आपको बहुत ही अच्छा इमेजेस मिल जाता है। गाइस ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर करी है, हो सकता है आपको पसंद आई हो, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, विदाउट प्रैक्टिस ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो देखने से सिर्फ आपको एक नॉलेज मिल सकता है, बट आप कब सीखेंगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ जिसका नाम है DSLR Academy, और इसको Instagram पे फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि वहां से आपको वर्कशॉप रिलेटेड बहुत सारी एकेडमी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और आप सीख सकते हैं।